नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये पोयम कंपोज की गई थी निसिम आइज़ेकल के द्वारा। निसिम आइज़ेकल एक इंडियन ज्यूइश पोइट थे जिनका जन्म 1924 में और जिनकी डेथ 2004 में हुई थी। ये पोयम पब्लिश हुई थी 1965 में इन हिज बुक द एग्जैक्ट नेम में। ये एक फ्री वर्स पोयम है, 47 लाइन्स है इस पोयम में और ये 8 स्टेंजास में डिवाइडेड है। ये एक नैरेटिव पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोयम में दिखाया जाता है कि पोइट है वो एक रात को याद कर रहे हैं जब एक स्कॉर्पियन ने उनकी माँ को डंक मार दिया था। तो वो कहते हैं, आई रिमेंबर द नाइट, मुझे याद है वह रात, माई मदर, जब मेरी माता जी को वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा काट लिया गया था। जब मेरी माता जी को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था, स्टंग कर दिया था, मुझे वह रात याद है। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, उस रात 10 घंटे तक भारी बारिश होती रही। है ड्राइविंग हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, और शायद इसी बारिश ने उसे भगा दिया था। है ड्राइविंग हिम यानी कि वह भागकर आ गया था, टू क्रॉल रेंगता हुआ, बीनीथ नीचे ए सैक ऑफ राइस, एक चावल के बोरे के, उसके उनके घर में एक चावल का बोरा रखा हुआ था जिसके पीछे आकर, जिसके नीचे आकर वह छिप गया था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, पार्टिंग विद हिज पॉइजन का मतलब अपने जहर से अलग होना या फिर डंक मारना, स्टंग करना। जब उसने अपने जहर से अलग हुआ, जब उसने स्टंग किया, मेरी माँ को काटा, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, तो उसकी जो डायबोलिक टेल थी जिसमें उसका पॉइजन होता है, वो उस डार्क रूम में एक बार फ्लैश हुई, इसका मतलब वो सिर्फ एक बार चमकी। ही रिस्क द रेन अगेन, और उसने दोबारा रेन का रिस्क ले लिया, इसका मतलब है कि वो दोबारा बाहर चला गया, वो उसकी माँ को स्टंग करके, उसकी माँ को बाइट करके वो दोबारा चला गया। उसकी केवल एक ही बार फ्लैश हुई थी लाइट, वह केवल एक ही बार दिखाई दिया था, उसके बाद वह दिखाई नहीं दिया। द पीजेंट केम्स लाइक स्वर्म्स ऑफ फ्लाइज, और जो वहाँ पीजेंट्स थे, जो आसपास के किसान थे, जो आसपास रहने वाले लोग थे, वो एक मक्खियों के झुंड की तरह आए। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, और उन्होंने भगवान का नाम सैकड़ों बार लिया, 100 times उन्होंने सैकड़ों बार भगवान का नाम लिया, टू पैरालाइज द एविल वन, ये एविल वन जो है ये स्कॉर्पियन को कहा गया है कि ताकि वह स्कॉर्पियन को पैरालाइज कर दे, स्कॉर्पियन को एक जगह रोक दे। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, विद कैंडल्स यानी कि वे क्या लेकर आए थे, वे कैंडल्स लेकर आए थे और वे लैंटर्न लेकर आए थे, और थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज जिससे कि जो उनकी परछाई थी मड बेक्ड वॉल पर, जो मिट्टी से बनी हुई जो दीवारें थी उन पर उनकी परछाई ऐसे लग रही थी जैसे कोई जायंट स्कॉर्पियन हो, कोई बहुत बड़ा स्कॉर्पियन वहाँ पर घूम रहा हो, कोई बहुत बड़ा बिच्छू वहाँ पर हो, उनकी परछाई ऐसे लग रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसे ढूंढा, ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उन्हें नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, फिर उन्होंने अपनी जीभ को हिलाना शुरू किया, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड दे सैड, उन्होंने कहा कि विद एवरी मोमेंट की जो भी स्कॉर्पियन, जो बिच्छू जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे माता के ब्लड में, माता के खून में उसका जहर भी चलेगा। ये एक कहावत है, यह सब आज भी ये लोग कहते हैं कि जब बिच्छू किसी को डंक मार लेता है तो कहते हैं कि वह जैसे जैसे चलता है तो वैसे वैसे ही क्या है, उसका पॉइजन खून में चलता रहता है, अगर वह एक जगह रुक जाए तो उसका पॉइजन भी रुक जाता है। तो उन्होंने वही बात कही। मे ही सिट स्टिल दे सैड, वे बोले कि काश वह बैठ जाए, काश एक जगह बैठ जाए। मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट दे सैड, और उन्होंने बोला कि हो सकता है जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं वो आज रात खत्म हो जाए, क्योंकि तुम्हें स्कॉर्पियन ने डंक कर लिया है, स्कॉर्पियन ने तुम्हें काट लिया है, तो तुम्हारे जो ये दर्द हो रहा है, जो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप है वो सब खत्म हो जाए, आज की रात जल जाए। मे यू सफ़र डिजीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, या फिर ऐसा भी हो सकता है मे यू सफरिंग, कि तुम सफ़र कर रहे हो, जो तुम्हारे मिसफॉर्चून्स हैं, जब तुम अगला जन्म लोगी तो जो तुम्हारे मिसफॉर्चून्स होंगे उनमें कुछ कमी आ जाएगी क्योंकि तुम अब सफ़र कर रहे हो। दे सैड, वे बोले, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो तुम सफ़र कर रही हो, जो तुम अभी कष्ट सह रही हो, इससे तुम्हारे जो आने वाला जीवन है, जो तुम्हारा नेक्स्ट, जो अगला तो जो तुम्हारा जीवन होगा, उसके दुख कुछ कम हो जाएंगे। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, मे द सम ऑफ ऑल एविल, जितने भी तुमने बुरे काम किए हैं इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अनरियल संसार में, इस जो ये अवास्तविक संसार है इसमें जितने भी तुमने बुरे कार्य किए हैं अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, उनका जो बैलेंस बन जाएगा जो तुमने अच्छे कार्य किए हैं उनसे। इसका मतलब है कि तुम जो सफ़र कर रही हो, जो तुम आज दर्द सह रही हो, इससे जो तुम्हारे बुरे काम और जो अच्छे काम हैं उनमें एक बैलेंस बन जाएगा।
तुम्हारे कोई बुरे काम अब आगे नहीं बचेंगे। बिकम डिमिस्ड बाय योर पेन, तुम्हारे दर्द से जो है ये जो तुम्हारा बुरे जो एविल जो वर्क थे तुम्हारे ये सब खत्म हो जाएंगे। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सैड। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये जहर है ये तुम्हारे प्योरीफाई कर दे, प्योर कर दे, शुद्ध कर दे योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर जो तुम्हारी इच्छाएँ हैं एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन और जो तुम्हारी एम्बिशन की स्पिरिट है। फ्लैश ऑफ डिज़ायर यानी कि तुम्हारे अंदर जितनी भी इच्छाएँ जितनी भी एम्बिशन डिज़ायर हैं काश ये जो पॉइजन है ये सब उनको प्योरीफाई कर दे, उनको प्योर कर दे। दे सैड वे बोले एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर और वे फर्श पर ही नीचे बैठ गए। विथ माई मदर इन द सेंटर और मेरी माता जी जो थी वो सेंटर में थी, वो बीच में लेटी हुई थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, उन सबके चेहरे पर एक शांति थी जैसे उन्हें सब समझ आ रहा हो, जैसे वो सब जानते हों। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और क्या हो रहा था कि मोर कैंडल्स यानी कि और लोग आ रहे थे जो और मोमबत्तियाँ ला रहे थे, लालटेन ला रहे थे, मोर नेबर्स ज़्यादा पड़ोसी आ रहे थे, मोर इंसेक्ट्स और जो वो लालटेन और कैंडल्स जल रही थी उन पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे एंड द एंडलेस रेन और भारी बारिश हो रही थी जो रुक ही नहीं रही थी। माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट और मेरी माता जी चटाई पर इधर उधर बार बार ट्विस्ट हो रही थी, वो दर्द से कराह रही थी और बार बार इधर उधर करवटें ले रही थी। माय फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग और जो मेरे पिताजी थे वो एक स्केप्टिक और रैशनलिस्ट थे, इसका मतलब है कि वो किसी की बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते थे, वो तर्कसंगत थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, उन्होंने हर तरह का कार्य किया, उन्होंने हर तरह की जो है अपनी कोशिश की, कर्स की, ब्लेसिंग्स की यानी कि जितना भी वो कर सकते थे, अच्छी कोशिश, बुरी कोशिश, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड पाउडर मिक्सचर और कुछ पेड़ पौधों से जो उन्होंने हर्ब बनाई, कुछ हाइब्रिड बनाई, कुछ दवाइयाँ बनाई। ही एवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन और उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन जो कैरोसिन का तेल होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन अपॉन द बिटन टो उस अंगूठे पर डाल दिया जहाँ पर कि स्कॉर्पियन ने बाइट किया था एंड पुट ए मैच टू इट और फिर उसमें आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर और मैंने उस आग में से निकलते हुए धुएं को देखा जिसने कि मेरी माता के स्किन को भी जला दिया था, मेरी माता के पैर को जो जला रहा था मैंने उस धुएं को देखा। आई वॉच मैंने देखा द होली मैन कि कुछ पवित्र लोग या कुछ जो मतलब धार्मिक लोग होते हैं परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशंस, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कुछ अपनी राइट्स कर रहे हैं कुछ ताकि जो ये पॉइजन है ये खत्म हो जाए, जहर का असर खत्म करने के लिए वो कुछ मंत्रोच्चारण और कुछ अपनी पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आफ्टर 20 आवर्स 20 घंटे बाद ही इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, इसने अपना जहर खत्म किया यानी कि 20 घंटे तक जो है उसका जहर माताजी के शरीर में ऐसे ही चलता रहा और 20 घंटे बाद जो है उस जहर का असर कम हुआ, खत्म हुआ। माई मदर ओनली सैड और मेरी माता ने केवल इतना कहा थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिच्छू ने मुझे चुना, बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक माता का प्यार भी दिखाया गया है कि वो 20 घंटे से जो है दर्द में तड़फ रही थी लेकिन जब उसे दर्द से आराम मिला तो उसे इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसे दर्द से आराम मिल गया है बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि बिच्छू ने उसे काटा ना कि उसके बच्चों को।